क्या मुझे नहीं जान सनी मैं अपना जान देंगे, चाहे हमको गोली मार दे शासन से मार दे मगर मैं जान देंगे। हम भी अब जी है, मेरा बच्चा ना मिलेगा तो जी के क्या करेंगे, ये आगे लिए जिएगी मेरा का रिश्ता गायब हो गया। चाहे गया तो बड़ा बड़ा मुर्दा को भी कब्र से उखार लेते हैं ना, कानून किसी के बाप की जागीर नहीं, कानून सबके लिए। अगर वो चाहेंगे तो हमारी बच्ची मिल जाएगी। तो मैं अभी पटना के उद्योग भवन के जस्ट पीछे हूँ, जहाँ पे 22 जून की एक घटना है, जहाँ पे 3 साल की एक छोटी बच्ची है जो कि गुमशुदा है, 3 दिन से गायब है, अभी तक परिवार को मिली नहीं है। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं। कब पता चला कि आपकी बच्ची खो गई है? 22 तारीख को यह पता चला। तो हमें ये बताइए, जो आपकी बच्ची थी वो कहाँ गई थी? घर में थी बच्ची मेरी। अच्छा। वो लड़का ने ऊपर रेंटर रहता था समझा, उसका नाम समीर है, उसने ऊपर रहता था, तो हमें नहीं पता कि मेरा लड़का, हमने नहाने गया, मेरा बच्ची खड़ी थी दरवाजे पे कि दादी आप चली जाइएगा, भोजपुरी लड़की बोलती है मेरी। अच्छा। समझा, वो बच्ची मेरी खड़ी हुई थी दरवाजे पे हमारे, उसने हमने कहा कि बेटा तू जा घर में मम्मी के पास, उसने कि ना हम नहीं जाएंगे, हम तोड़ा पास रहेंगे। बस हम लड़की को दरवाजा बंद कर, हमने कहा चल कपड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ सुनने लड़के को कि चल चल तो टॉफी दिला दे, तो कहे कि नाम ना जाए मैं दादी की ये खरल भैया। और उसके बाद जो लड़का दस्ती खींच के कह के हम जा रहे अपने पापा को पानी देने के लिए, उसने लड़का को मेरे ले के चले गई, ले जाके उसके बाद हम तुरंत कपड़ा बदल के हम खोज रहे हैं कि बाबू कहाँ गई है, इस सब वही पर ही गई मैं हम लोग के कमरे में खोजने के लिए कि मैया कहाँ है। हमने कहा कि नहीं, अरे बाबू कहाँ चली गई रे, फिर जल्दी से हम दुपट्टा लेके नीचे गए तो हमारा लड़का गायब हो गया, हमारी लड़की मिली नहीं। सनी कहाँ कहाँ ले गया वो लड़का? पटना जंक्शन 10 नंबर। पूछा कि बाबू रे मेरे बाबू को तुम लेके गए थे तो कहाँ रहे थे, कहीं हम ट्रॉफी दिला के ले आए। हम लोग भी सोचा कि हो सकता है इसके दिल में, हम लोग क्या पता कि कभी घटना करता तो ऐसा एहसास होता। हमने कहा कि हो सकता है बच्चा है, कर दिस होगा। पहले भी दोबारा वो ले जाता था क्या? नहीं नहीं बाबू, दोबारा नहीं ले गया बच्चा को किसी से, उस सेटिंग करके उसके दोनों भाई बहन, एक बहन भी उसकी है, वो भी साथ में हाथ पकड़ के अपने ऊपर ले गई, ऊपर से नीचे उतार के एक बार शुरू बार में उसने ऐसा किया, फिर हमने मेरे गुस्सा आया तो हम इनको गुस्सा किया कि देखो बच्चे को किसी के हवाले नहीं करो, आजकल हालात सही नहीं है, हम ये सब पसंद नहीं करते, रेंटर जाओ अपने जगह पे, हम अपनी जगह पे। तो इन्होंने कहा कि क्या होगा, लड़का है कोई भी ले जाता है। हमने जब हो गया भाई, उसके बाद बच्चा को हम खोज खोज किया, इन्होंने लड़का को बार बार कह रहे कि बाबू ने तो देखे कहीं, तो वो लड़का इतनी चलाकी दिखाया कि और हमारे फैमिली के साथ खोजने लगा समझा, जबकि वो लड़का काम करके चला आया, स्टेशन पे वीडियो में आया हुआ है, स्टेशन पे का वीडियो आया है उसमें। हाँ, दिख रहा है। हाँ, 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, सब दिख रहा है लड़का। अच्छा। उसके बाबा सिनेमा की बुकिंग कलर के कहने पे ले गया था। हाँ। वो ले गया वो बुकिंग कलर, अभी पिरवौर थाना में है वो लड़का, वहाँ जंक्शन से हम लोग को ले गया सीधा बुकिंग कलर के घर, जहाँ रेंट पे रहती है, पोस्टर पार्क 2 नंबर एकदम अंदर गली में। स्टेशन का फुटेज है, फोटो है, स्टेशन का फोटो है, वो नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ दिखाए हैं। शासन गए थे खुद समझा का, शासन ने सब वीडियो देखी ना, हमने यहाँ का सनीमा का वीडियो कैमरा खुलवाया, उसमें का हमने वीडियो थोड़ा सा लिया भी है बच्ची का, जिसने वो हाथ खींच के बच्ची को ले जा रहा, देखिए ये बच्ची को हमारे दवादस्ती, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटी बच्ची है और किसी लड़के लड़का को उसे खींच कर ले जा रहा है, समझा। उसको हमने कहा कि अरे जब कैमरा खुलवाया तो ये बच्चा नजर आया, तो हमने उस बच्चे को इस बच्चे को हमने खींच बोला कि बाबू तुम ले गए हो तो बता, तो तुम किसी के कहने पर ले गए तो दे दो, हम तुम्हें जो पैसा अगर कुछ उसने नहीं कबूला। जब फिर वो जब हमारे सब मोहल्ले वाले उसको थाने ले गए तो उसने बताया कि फलाने जगह थाने पे वहाँ पे है समझा, हम वहाँ पे फकीरनी को दिया है,
स्टेशन पे स्टेशन मतलब वो लड़का अभी कहाँ है जिसपे आपका शक है? ये थाने में जमा किए हुए हैं। उसके माँ बाप को कल शासन ले गए हैं। अब शासन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो उनका दिल ईमान जाने। हम लोगों को वहाँ नहीं टिके दी। लड़की के बारे में बताओ। अब लड़की जो है उसको, लड़की का नाम जो है प्रिया कुमारी है, समझा? वो लड़की जो है, उस लड़की का नाम बताया उस। अच्छे, ये एक बात ये है कि ठीक, कहाँ जो स्टेशन का मामला बोल रहे हैं कि बस, तो स्टेशन पे कहाँ गई है आपकी लड़की जो बच्ची थी? कहाँ, किसको देने के लिए गई? वो फकीरनी को देने गया, तो कह रहा कि हम फकीरनी को दिया है। अच्छा, समझा? उसके बाद उसने जब उसको मार वोड़ पड़ा तो उसने कहा कि एक सनीमा का स्टाफ है लड़की, उसका नाम प्रिया कुमारी है, उसके हम घर पे ले गई है, 500 रुपया हमको दिए, बोली कि बच्ची को लेके दे देना, हम तुम्हें 500 रुपया देंगे। सोच सकते हैं महज 500 रुपए के लिए उनकी बच्ची को वो जो दरिंदा था वो स्टेशन पे छोड़ आया। इनके माता जी हैं, उनका परिवार है, इनका हाल आप देख सकते हैं। और हमें ये बताइए कि जो प्रसाद जो आपने वहाँ FIR दर्ज किया उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ कार्रवाई है क्या? वो शासन जान रहे कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका, जब मेरी बच्ची मिलेगी जब हम जाने कि आप मेरी कार्रवाई सही किया, और जब नहीं कर रहे तो थाने वाले। दूसरी बात कि रिजन सनीमा का मैनेजर जो है उनके सपोर्ट में गए या मेरे सपोर्ट में गए, मगर पार्टी हम भी थे, मेरा बच्चा गए, हमें भी बैठाना चाहिए, हमें भी खड़ा करना चाहिए इनको साथ साथ, हम लोगों को नहीं जाने दी अंदर। हो सकता है जिनके, जिनकी बेटी है, जिनकी पोती है, उनको थाना के अंदर एंट्री नहीं मिला, उनको बात मारने दौड़े हैं। आपको कौन मार, पुलिस? हाँ, तो बंद कर देंगे सबको, हमारे भाई को कहीं कहीं बंद कर देंगे, समझा? हमारा भाई जब चिल्लाने लगा कि हमारी लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए लड़की से, हमें लड़की दिला दीजिए, तो कहें कि आप लोग बाहर जाइए, नहीं जाइएगा तो आप, अभी भी हमको धमकी मिला है कि रिजन सनीमा में अगर आप कुछ बोलिएगा, हल्ला कीजिएगा तो आप सबको पूरे परिवार को ले जाएंगे। ऐसा क्यों ले जाएंगे, हम ये पूछना चाहते हैं, जबकि वो लड़की का गलती नहीं है, तो वो लड़का हमारा रेंटर है, मकान मालिक ऑनर हम, समझा? सुनिए, ऑनर हम है, हमारा मकान है, तो हमसे उनसे दोस्ती नहीं बनी रिजन सनीमा वाले से, आए हमारे रेंटर के, वो भी इतना से बच्चा से उनका दोस्ती बन गया, और वह बच्चा शासन को ले जाके उनका कमरा बिल्कुल ले जाके खुलवा दिया, समझा? कंकड़ बाग, तो वह बच्चा वहाँ गया नहीं, वहाँ गया नहीं, तो वह बच्चा कैसे उनका कमरा जाने, और वो लड़की ले नहीं गई। यहाँ पे देख सकते हैं जो उनकी माता जी, उनको सूद बूद भी नहीं है, 22 तारीख से बच्ची लापता है, अब तक वो घर पे नहीं आई है। इनके परिवार के सदस्य को आप देख सकते हो, घबराए हुए हैं। तीन साल की छोटी बच्ची मात्र अभी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं पता है। परिवार पूरे सुध बुध में नहीं है। माता जी का आप हाल देख सकते हैं, रो रो के परेशान है परिवार है। उनके पिताजी हैं जो उनका होश हवास में कुछ भी नहीं है, पूरे तरीके से परेशान है, और ये बस ये चाहते हैं कि इनकी जो छोटी बच्ची है वो घर आ जाए। किस स्थिति में जहाँ भी है वो प्रशासन से चाहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाए। जैसे लड़का कोई घर पूरा पटना में अगर ले जाना चाहता, अब किसी के घर ले जाता, कल उसी के घर में कैसे ले जाता, बताइए? अब भूत नंबर रोड में ले गया उसको, तब बताइए, वो एकदम गली के अंदर है, तो आओ जैसे उतना दूर आओ घर, आओ कोई घर में घुसा देता। ये सब कैसे पता चला कि भूत रात ले जा रहा है? वो लड़का ले गया, जो लड़का मेरी लड़की को ले गया, वो लड़का शासन को लेके जाके ताला तुड़वाया, उसमें से उसकी सारी सामान डिटेल मिली, आधार पैन कार्ड सब। वो लड़की का घर ना होता तो छोटा बच्चा का ये कहीं गिरोह तो नहीं है ना इस तरीके का, छोटे बच्चे का पता नहीं गिरोह है क्या? हम पहनते हैं उसकी, तो कपड़े पहनेगी लड़की। अच्छा, छोटे छोटे कपड़े बच्चे के वहाँ पे बहुत सारे मिले। अच्छा, शासन का कहना है कि नहीं नहीं वो तो किसी दूसरे का है, दूसरे प्लॉट पर है, तो वो लड़की बेकसूर है। वो लड़की कह रही है कि जब हमको बुलाइएगा हम आएंगे, ये तो मुजरिम भी कहेगा कि जब आप थाना हमको बुलाएगा हम आएंगे। बताइए, हम कोई भी इंसान कोई कांड किए रहेगा तो वो तो थाना जब उसको घेरेगा तो हम कह भी करेंगे कि हमको थाना बुलाइए, जब बुलाइएगा जब हम आएंगे।
हाँ, हम प्रूफ देंगे अपना, इस प्रूफ पे हमको बुलाइएगा। जबकि उसका आधार कार्ड पैन कार्ड वहाँ से मिला, तो लड़का उनसे लिंक नहीं था, तो कैसे मिला लड़की से बताइए। अच्छे आप कह रही हैं लड़के कर रही है कि मेरे यहाँ आता, हम कुछ कुछ सामान काउंटर पर रहते थे, टिकट काटते थे, तो कोई सामान हमें भूख लगता था तो हम मंगाते थे उससे, हम उसे भी देते थे, खुद को भी खाते थे। एक बैलून वाला की बात करेंगे कि बैलून वाला को भी देते थे और लॉन में दे, उसकी कितनी तनख्वाह थी कि जो वो लड़की अपने मतलब सबको खिलाती थी भी और वो अपने घर वालों को अपने भी खाती थी। जबकि किराएदार है, रेंटल पर वो भी है, उसका घर अपना नहीं है भूतनाथ में, रेंटल पर वहाँ किराया भी देती थी, एक महीने का खाना भी खाती होगी और वो बच्चों को भी बाहर वाले को खिलाती थी। अच्छा लड़की कुमारी है, वो लड़की की शादी नहीं हुई है, तो आखिर उसका क्या बात है कि जो आई लड़की की गिरफ्तारी हुई? हाँ लड़की की गिरफ्तारी, वो जो रजन सनीमा वाले जो है वो खुद भेजीन है कि उसको गिरफ्तार करवाया जाए। ठीक है, शासन ने उनको ले लिया, अब शासन क्या कर रहे हैं, उनसे क्या लिंक है, हमारे पास तो अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है, न्याय नहीं दिया हमको। अच्छा, चार सीट भी नहीं मिला है। देख सकते हैं पूरा परिवार परेशान है, जो इनकी छोटी बच्ची है वो बीते 3 दिन से गायब है, लापता है। ये परिवार चाहता है कि उनका जो बच्ची है वो घर वापस आ जाए, जिस हालात में है जहाँ भी है, वो प्रशासन से भी गुजारिश है, परिवार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उनकी बच्ची को है वो खोज करके उनके परिवार को सौंप दे। परिवार ये पूरा भीख मांग रहा है कि देख सकते हैं इनके मनोदशा को, आप समझ सकते हैं कि किस हालत में ये परिवार इस समय इनके साथ गुजर रहा है। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हम उसी रिजल्ट से नहीं, हमें अपना जान देंगे, चाहे हमको गोली मार दे, शासन पे मार दे, मगर हम वही जान देंगे। हम भी अब ऐसी है, मेरा बच्चा ना मिलेगा तो ठीक है, क्या करेंगे, क्या के लिए जिएंगे, मेरा रिश्ता गायब हो गया। परिवार छोटा बच्चा था, महज 3 साल की छोटी बच्ची थी, वो हो गई है। ये प्रशासन से गुजारिश कर रहे, भीख मांग रहे कि उनके जो छोटी बच्ची है उनको वापस कर दिया जाए। चाहेंगे तो बड़ा बड़ा मुर्दा को भी कब्र से उखाड़ लेते हैं, न कानून किसी के बाप की जागीर नहीं, कानून सबके लिए। अगर वो चाहेंगे तो हमारी बच्ची मिल जाएगी, और नहीं तो जो बच्चा को पहले से जजर में रखी हुई थी लड़की, प्रिया कुमारी पहले से रखी हुई थी, जानी गई कि 500 रुपया देंगे तुम। यहाँ पे इनके हालात समझ सकते हैं किस हालात से ये गुजर रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी इनके बच्चे मिल जाए और इन पे जो भी जहाँ पे जो भी समस्या है, इनकी छोटी बच्ची इनके घर आ जाए। स्टेशन पर से तो आगे पे है ये भूतनाथ डर, उसी रास्ते में ना, तब कैसे लड़की कहती कि नहीं है। आप परिवार की मनोदशा को समझ सकते हैं, हम भी परिवार की मनोदशा को समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं और इनकी जो प्रशासन से गुजारिश है वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनकी जो छोटी बच्ची है इनको घर पे सही सलामत जिस वापस आ जाए। और आप देख रहे थे जनमंच न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।